हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन डिटेल हो। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 12 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 सॉल्व किया था, जिसमें आप लोगों को बताया थे SCF कैसे SCF फाइंड करते हैं और SCF के दो मेथड्स के द्वारा आपको SCF निकालना बताए थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। उसी तरह LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको भी निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द LCM ऑफ द नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अभी हम SCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम उसी तरह इसमें निकालते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंस होता है, अभी वो आपको भी पता चल जाएगा। पहले निकालते हैं उसी तरह सेम जैसे निकालते थे, जैसे अलग अलग बना लेंगे। अब बताया था कि 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से। तो देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 25 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 4 से भी नहीं डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है 5 से, 5 जा 25, फिर 5 से फिर जाएगा तो 5 बन जा 5, ये हमारा निकल गया। उसको देखते हैं 2 से, हाँ लास्ट में 0 हो तो 2 से ज़रूर डिवाइड होता है, 2 से 30 कितनी बन जाएगा 15 बार में, फिर 2 से अब जाएगा 15 नहीं, अब किसे देखेंगे 3 से, 3 से जाएगा 15 कितने बार में 5 बार में, 3 5 जा 15, 5 अपने टेबल से जाएगा 1 बार में। अब देखिए लास्ट में इसमें 0 तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 से कितने बार में 20 बार में, डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 20 बार में जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा तो फिर जाएगा 2 से 10 बार में, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में 2 5 जा 10, अब किससे जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब सीधे 5 से 5 बन जा 5, ये हो इसके सारे फैक्टर निकल गए। और इसको उसी तरह लिखेंगे 25 के, देखेंगे कितना फैक्टर है तो 5 × 5 इसके दो ही फैक्टर हैं, इसके 30 के देखते हैं, 30 के हमारे हो गए 2 × 3 × 5, अब बचा हमारा क्या 40 का, 40 का देख लेते हैं, 40 का है 2 × 2 × 2 × 5। सबसे पहले इसमें हम कॉमन को देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें, जो कॉमन हम लेते हैं SCF में केवल देखते थे दोनों में है तो दोनों को कॉमन लेते थे, अब तीनों में है तो तीनों को लेते थे, लेकिन LCM में ऐसा नहीं, LCM में क्या करते हैं पहले कॉमन को लेते हैं, चाहे दोनों में मिले या तीनों में, अगर दोनों में कॉमन मिलता है तो दोनों का लेंगे, अगर तीनों में मिलता है तो उसको भी लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है ना, हम बोले थे दोनों मिलेगा तभी भी लेंगे और तीनों मिले तो उसको भी कॉमन मिले, तो इस दोनों को कॉमन लेंगे। अब देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 2 है, इसका नहीं पेयर बन रहा है, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तीनों का आपका पेयर बन रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब ये देखिए, अब किसी का दोनों या तीनों को बन रहा है तो ये 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, नहीं बनेगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं, ये भी नहीं बनेगा, और यहाँ 2 है, बाकी में 2 नहीं है, तो बस यही दोनों हमको कॉमन, देखिए यहाँ तीनों में मिला तो तभी भी लेंगे, और दोनों में मिलेगा तो कॉमन तभी भी उसको हम नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, द LCM ऑफ 25, 30 and 40। अब पहले कॉमन वाले को लिख लेते हैं, इसमें तो 2 है और 5 है, और जो बच जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, अभी SCF में क्या करते थे केवल कॉमन वाले को लिखते थे, लेकिन LCM में क्या, पहले कॉमन वाले को और जो बच जाता है उसको भी हम नोट कर देते हैं। तो क्या क्या बचा है, 5 बचा है हमारा, एक 3 बचा है हमारा, और एक 2 बचा है, 2 × 2। अब इसको क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 3 जा 100,
300, 300 2 जा 600, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 600। ये हमारा तीनों का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह आप लोग प्राइम फैक्टराइजर मेथड से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस मिला, एचसीएफ में जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे जो कॉमन रहता था बस उसी को करते थे, और भी कॉमन क्या जो तीनों में रहता था या दोनों में बस उसी को लेकर। लेकिन एलसीएम में क्या तीनों में कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, और दोनों में भी किसी में कॉमन मिल गया तो उसको भी पहले नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो बचेगा उस सबको नोट करके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब इसका डिवीजन मेथड देखते हैं। अब जैसे इसमें सेकंड लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय डिवीजन, अब इसको डिवीजन मेथड से निकालना, तो पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए टू का पहला लिखा है, इसको डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से जब भी एलसीएम निकालते हैं तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, कैसे देखिए लिखेंगे 21 एक ही साथ लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं, 63 और 105। अब इसको एक साथ ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे थ्री हो चाहे टू हो चाहे फोर नंबर दिया हो चाहे थ्री नंबर, सबको क्या एलसीएम के जब डिवीजन मेथड निकालते हैं तो एक साथ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी सबसे इस पहले टू से देखेंगे कोई नंबर इसमें कट रहा है कि नहीं, अगर तीनों में से अगर एक भी नंबर टू से डिवाइड हो रहा है तो हम टू से डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो थ्री से, उससे नहीं हो रहा है तो फोर से, अगर कोई भी नंबर इसमें से डिवाइड होगा टू से थ्री से तो हम डिवाइड करेंगे, तो टू से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, थ्री से देखते हैं तो थ्री से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, कैसे थ्री के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 7 बार में। अब 63 के कितनी बार में आता है, तो आप लोग देखिए रफ में आप लोग डिवाइड करके नहीं ऐसे आएगा, तो थ्री को 63 से 63 को डिवाइड कीजिए तो 3 2 6 यहाँ आ जाएगा, 3 1 3 कितनी बार में चला जाएगा, 21 बार में, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसके नीचे 21। अब 1 and 5 को देखते हैं, 1 and 5 देख लेते हैं 3 से कितनी बार में जाता है, तो उसको भी ऐसे 3 3 9 तीन में से 9 गया 1 5 3 5 50 कितनी बार में चला गया, 35 बार में ये चला जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 35। अब फिर देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई भी नंबर इस तीनों में से कोई भी एक भी जाएगा तो भी हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देख रहे हैं कि हाँ जा रहा है, तो 7 नहीं जाएगा, जो नंबर नहीं 3 से जो नंबर नहीं जाता है डिवाइड होता है उसको उसी तरह नोट कर लेते हैं, ये 3 से देखिए 7 नहीं जा रहा ना, नहीं जाएगा ना, तो इसको वैसे ही यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अब ये जाएगा कितनी बार में, ये देखिए कितनी बार में, फिर 7 बार में जाएगा, ये 3 से 35 चला जाएगा, ठीक है टेबल में 35 आता है नहीं आता है, तो इसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखेंगे 4 से जा रहा है कोई कि नहीं, 4 से 7 भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और 35 भी नहीं, तो 4 से नहीं लेंगे। अब देखेंगे 5 से, तो 5 से ये नहीं जाएगा 7, तो उसी तरह नोट कर लेंगे, ये भी नहीं जाएगा तो उसी तरह नोट कर लेंगे। अब ये जाएगा कितनी बार में, 5 7 जा 35, तो ये 7 बार में चला जाएगा। अब देखिए अब तो 7 अपने ही टेबल में आएगा, तो 7 से यानी 1 बार में और ये 1 बार में ये चला गया। अब लिखेंगे सो एलसीएम ऑफ 21, 63 and 105 इज इक्वल टू, अब जो ये कॉम 3 × 3 × 5 × 7 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 7 5 जा 35 का 5 3 7 4 जा 28 21 28 में 2 ऐड करेंगे तो 31 तो हमारा आ जा रहा है कितना एलसीएम 315, इसका क्या आ जा रहा है आंसर आ जा रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं डिवीजन मेथड एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जितना भी नंबर दो 1 दे 2 दे 3 दे सबको एक साथ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने कैसे सॉल्व करते हैं तो बोले अगर 2 से जाएगा इसमें भी देखते हैं 2 से जाएगा, अगर तीनों में से कोई भी एक किया जाएगा या दो जाएगा तीनों जाएगा तभी भी डिवाइड करेंगे 2 से, नहीं जाएगा तो अगर नेक्स्ट नंबर से करेंगे तो नेक्स्ट नंबर से, तो 3 से डिवाइड करते 3 से तीनों क्या था तो तीनों नोट कर लेंगे। अब जो नंबर नहीं डिवाइड होता है उस नंबर से, मतलब ये 3 से अगर 7 नहीं डिवाइड होता तो उसको इसी तरह नोट कर लेते हैं।
बाकी सबको इसको डिवाइड करें। तो इस तरह क्या करेंगे हम, डिवाइड करके आपका एलसीएम डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इतने ऐसे ही आप लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा थर्ड है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड एलसीएम। अब यहाँ पर नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है कि डिवीजन मेथड से, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो उसी तरह जैसे ऊपर बताएं उसी तरह ये भी क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी डिवीजन मेथड से निकाल लीजिएगा। तो इसमें आप लोग ए बी करेंगे, इसमें भी ए बी सॉल्व करेंगे, इसमें भी ए बी और सी सॉल्व करेंगे। अब फोर का और फाइव का एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाई फाइंडिंग द देयर एलसीएफ। अब दो नंबर दिया है, पहले इसका एलसीएफ निकाल के तब क्या करना है, पहले एलसीएफ फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद एलसीएम दोनों नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये क्वेश्चन है फोर के से, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाई फाइंडिंग देयर एलसीएफ। अब कह रहा है कि एलसीएम और एलसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस दोनों नंबर से एलसीएफ फाइंड कर लेंगे। 64 एंड 80 से क्या कर सकते हैं, पहले एलसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और कोई डिवीजन मेथड बताए थे ना आपको एलसीएफ फाइंड निकालने का, तो 64 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 60 से 1 बार में जाएगा, तो 64 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसको बारह नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 6 गया 1। अब इससे ये छोटा नहीं जाएगा, तो फिर ऐसे डिवाइड का साइन बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं। और फिर अब इस यहाँ को नंबर यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। अब 16 से कितनी बन जाए, 16 4 जा 64 चला गया, जीरो आ गया रिमाइंडर। तो हमारे यहाँ से एलसीएफ पहले फाइंड कर लिए, पहला तो एलसीएफ फाइंड कर लिए। अब दूसरा करा एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए ना हूँ इसका फार्मूला होता है, एलसीएम इजकल टू द फर्स्ट नंबर इन मल्टीप्लाई द सेकेंड नंबर। पहले नंबर और सेकेंड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके और एलसीएफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या था, 64 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसा है तो मल्टीप्लाई। सेकेंड नंबर आपका क्या था, 80, और एलसीएफ अभी निकालें कितना, 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इससे आप इस दोनों को किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 से 16 में जा 16, 16 4 जा 64। अब बचा 4 और 8, 1 का कुछ होता नहीं है तो 1 को छोड़ देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 सॉरी 80। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ये बचा, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। तो बचा कौन, 4 मल्टीप्लाई 80। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 0 जा 0 ऑफ 32, तो 320 आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका एलसीएम निकल। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले एलसीएफ निकालिएगा डिवीजन मेथड से, फिर इस फार्मूले को लिखिएगा, फर्स्ट नंबर जो दिया है वहाँ लिखिएगा, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और नीचे एलसीएफ, पहले डिवाइड कर लीजिएगा एलसीएफ से किसी भी एक नंबर को, और फिर ऊपर वाले नंबर से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द एलसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4। कर दो नंबर का एलसीएफ 4 है और देयर एलसीएम, और उसका एलसीएम जो है 24। एलसीएफ दे दिया है 4 और एलसीएम दे दिया है 24। एंड वन नंबर इज 8, और पहला जो नंबर दे दिया 8 है और दूसरा नंबर हम द फाइंड द अदर नंबर, हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो इसका लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है एलसीएफ, तो इसको भी निकालने का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्या कहते हैं, एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इजकल टू वन ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई द अदर नंबर। तो एलसीएफ और एलसीएम आपको दिया ही है क्वेश्चन में, एलसीएफ आपका कितना दिया है 4 लिख देंगे उसके नीचे, एलसीएम कितना दिया है 24 उसके नीचे लिख देंगे, इक्वल का साइन है तो इक्वल लिख देंगे। वन नंबर कितना दिया है, 8 दिया है, और आपको अदर नंबर क्या करना है फाइंड, ये आपका फार्मूला था, इसको अलग कर देते हैं, ये आपका फार्मूला है याद कर लीजिएगा, अदर नंबर, और यही अदर नंबर आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसको पहले आप लोग इंटू कर लेंगे, तो इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 1 96 हो जाएगा, 24
में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, और बचेगा यहाँ 8 इंटू द अदर नंबर। अब अदर नंबर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे सो द अदर नंबर इजकल टू 96 को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे अब ये जाएगा उधर तो डिवाइड कर देगा, तो 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा यहाँ 8 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में चला जाएगा, आप लोग रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए क्या, तो 8 से हमको 96 को डिवाइड करना था तो 8 बन जा 8 और आ जाएगा 8 टू जा 16, कितनी बार चला गया 12 बार में डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ 12 हम आंसर लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा अदर नंबर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ए और बी इसका सॉल्व करेंगे, और ये तो बता ही दिए हैं, और उसी तरह सेम जैसे ये बताएं उसी तरह सेम ये भी होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को पहले अच्छे से देखिएगा, फिर अपने क्वेश्चन को क्या करिएगा सॉल्व कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।